हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तरुण साहू और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITI पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल यानी व्यापम की तरफ से जो वेल्डर ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम जो आयोजित किया गया था दोस्तों, यह उसका पार्ट सेकेंड है। इसका आपने यदि पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं और इसके बाद यह हमारा पार्ट सेकेंड वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। यह 2016 में वेल्डिंग मतलब वेल्डर ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, हम उसके विषय में ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि दोस्तों, इसके फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक बना लिया था, अभी हम आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में 25 नंबर का जीके जीएस रीजनिंग एंड साइंस आता है और उसके बाद 75 नंबर शेष अंकों में आपका ट्रेड का पूछा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक और ट्रेड लिखा हुआ वेल्डर, और इसमें दोस्तों हमने पार्ट फर्स्ट बना चुका है जिसमें 35 क्वेश्चन हो चुके थे, हम उसके आगे से बनाएंगे। तो आइए हम चलते हैं आगे, है ना। दोस्तों, जैसा कि ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35। फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण साहू और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITI पाठशाला। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ITI पाठशाला एंड लाइक मोर टू मोर एंड शेयर माय वीडियोस। दोस्तों, आइए हम चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको बहुत अच्छे लगते हैं या मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको दिया जाता है वो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ जिनको इसकी ज़रूरत है उनके पास ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। दोस्तों, चलिए लेट्स गो टू स्टार्ट। बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 35 पार्ट सेकंड के रूप में है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, हमको एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र बताना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, C2H2, मतलब यह हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप देख रहे हैं यह वेल्डिंग के चिन्ह को पहचानिए, आने आपको इस वेल्डिंग के चिन्ह को बताना है कि यह किस प्रकार का वेल्डिंग का चिन्ह है। आप यहां पर यह डायग्राम देख रहे हैं और यहां पर ऑप्शन है फ्लेट जोड़, सिंगल वी टक्कर जोड़, प्लग जोड़, दोहरा वी टक्कर जोड़। तो इसका सही आंसर दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं सिंगल वी वट ज्वाइंट यानी सिंगल वी टक्कर जोड़ है ये। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऊंची आवृत्ति ध्वनि तरंगे खालिस्तान में वेल्ड दोष जांचने के लिए प्रयुक्त होती है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड वेव जो होता है वो किस प्रकार की वेल्डिंग को टेस्ट करने के लिए होता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी का जो होता है ऑप्शन है ध्वनि परीक्षण, दूसरा है पराश्रव्य परीक्षण, तीसरा है स्टेथोस्कोप परीक्षण और चौथा है रेडियोग्राफिक परीक्षण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पराश्रव्य परीक्षण, है ना। क्वेश्चन समझिए दोस्तों, आपके सामने फिर से लिखा है हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो मतलब साउंड वेव्स में खालिस्तान वेल्ड दोष जांचने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो आप यहां से ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हैं, है ना। आइए चलते हैं, अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 35 में कि एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों देखिए, इसी से रिलेटिव अगला क्वेश्चन है हमारा, एसिटिलीन गैस है मतलब एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र आया था और अब यहाँ पर पूछ रहे कि एसिटिलीन गैस क्या है। ऐसा है दहन पोषक, दूसरा है दहनशील, तीसरा है अत्यधिक ज्वलनशील, चौथा है विस्फोटक। तो दोस्तों यह जो एसिटिलीन गैस होती है वो दहनशील होती है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। CO2 गैस कनेक्शन की रिसाव की जाँच के साथ क्या करें, मतलब कैसे करें। गैस रिसाव की जांच खालिस्तान के साथ करें, मतलब CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कनेक्शन यदि कहीं से लीकेज हो रहा है तो उसकी जांच करने के लिए हमें साबुन के साथ साबुन जल का विलयन चाहिए होता है, यानी एक ऐसा जल चाहिए या ऐसा पानी जिसमें साबुन घुली हुई हो, है ना फ्रेंड्स। चलते अगले प्रश्न पर। शुभा एसिटिलीन जनरेटर खालिस्तान प्रकार के हैं। शुभा यानि पोर्टेबल एसिटिलीन जनरेटर्स आर ब्लैंक टाइप्स, तो कार्बाइड जल से, जल से कार्बाइड, जल से धारा। तो इसका सही आंसर है कार्बाइड से जल। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेल्ड की आंतरिक तस्वीरें खालिस्तान में ली जाती है, यानी इंटरनल फोटोग्राफ ऑफ द वेल्ड्स आर टेकन इन, किस में ली जाती है, एक्सरे परीक्षण में। ठीक है दोस्तों,
बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न आपको समझने की ज़रूरत है बस, बहुत ही अच्छा। और आने वाले एग्ज़ाम की टीओ की तैयारी आप बहुत अच्छे से करें दोस्तों, और आप मुझे बताएं कि अगला वीडियो मैं किस विषय पे बनाऊं, और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है तरुण साहू। अगले प्रश्न पर दोस्तों, गामा किरणों को उत्पन्न करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, गामा किरणों को उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरणों को जनरेट करने के लिए रेडियम का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, हम सीधे क्वेश्चन पढ़ के आंसर की ओर देखेंगे। यदि आपको ज़्यादा स्टडी करना था, आप वीडियो को पॉज करके ऑब्जेक्टिव को रीड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खालिस्तान को वेल्ड करने के लिए पूर्व तापन बहुत आवश्यक है, यानी वेल्ड करने से पहले जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या आवश्यक है? तो ढलवा लोहा, मतलब ढलवा लोहे को गर्म करना ज़रूरी है। चलिए, अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों, साम्य धातु निक्षेपण दर है, यानी मेटल डिपोजिशन आर रेट्स इन साइज, मतलब सा क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो GMAW से अधिक इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, अत्यधिक आक्सीकृत वेल्डिंग बीट खालिस्तान के कारण होती है, मतलब अत्यधिक आक्सीकृत वेल्डिंग बीट खालिस्तान के कारण होती है। तो इसका सही आंसर है, आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसका सही आंसर है अपर्याप्त परिरक्षण गैस प्रवाह, यानी इनसफिशियंट शील्डिंग गैस फ्लो। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। खालिस्तान को वेल्ड करने के लिए वेल्डन उपयुक्त है, सॉरी गाइस, खालिस्तान को वेल्ड करने के लिए बिंदु वेल्डिंग उपयुक्त है। बिंदु वेल्डिंग जो होती है वो कहाँ पर यूज़ होती है? तो बिंदु वेल्डिंग केवल लैप जोड़ बनाने में यूज़ होती है दोस्तों, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्थूल पट्टिकाओं का वेल्डन एकल पारण के साथ इसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सरल है। स्थूल पट्टिकाओं का वेल्डन एकल पारण के साथ इसके द्वारा किया जाता है। इसके सामने हैं ऑप्शंस, आपके सामने हैं ऑप्शंस, और आप देख सकते हैं इसका आंसर है इलेक्ट्रो स्लेगन वेल्डन। ठीक है, वेल्डन मतलब वेल्डिंग। दोस्तों, यहाँ पर आपको इसका जो एग्ज़ाम होता है बिल्कुल हिंदी में होता है दोस्तों, मतलब शुद्ध परिनिष्ठ हिंदी में। तो आपको अपनी हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करना है, या तो आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हैं तो बहुत ही परिनिष्ठ होना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए खालिस्तान वेल्डन मशीन उपयुक्त होती है, यानी जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसको करने के लिए किस मशीन का यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए होता है दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, वेल्डिंग धातु के गुणधर्म को ज्ञात करने के लिए खालिस्तान प्रयुक्त होता है, मतलब यदि हमें किसी चीज़ की वेल्डिंग करना है तो उसके लिए हमको उसकी किस प्रॉपर्टीज़ की जांच करनी पड़ेगी, इसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम करेंगे भंजक परीक्षण, यानी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसको कहते हैं भंजक परीक्षण। चलिए, इनमें से कौन एक गैर संलग्न वेल्डिंग है? गैर संलग्न वेल्डिंग है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक गैर संलग्न वेल्डिंग है? तो फोर्ज वेल्डिंग जो गैर संलग्न वेल्डिंग है दोस्तों, है ना। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ईवीडब्ल्यू में खालिस्तान धातु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। कौन सी धातु है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो दोस्तों, टंगस्टन एक ऐसी धातु है जो ईवीडब्ल्यू में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लंबे आर्क का क्या प्रभाव होता है? हमको यहाँ पर लॉन्ग आर्क के इफेक्ट के बारे में बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख रहे हैं, आप देख लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, फिर से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। लंबे आर्क का क्या प्रभाव है? ऑप्शन आपके सामने हैं। हम चलते हैं उत्तर की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह अप धातु के संलग्न में कमी देगा, इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोड का अंतिम हिस्सा जो हटा दिया जाता है क्या कहलाता है? यानी इलेक्ट्रोड का अंतिम हिस्सा जो हटा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्टब एंड। उसको क्या कहते हैं? स्टब एंड। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से आया रेजिस्टेंस वेल्डिंग को लेके। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए खालिस्तान वेल्डिंग मशीन प्रयुक्त तो होती है। अब यहाँ पर पूछा है रेजिस्टर के लिए, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन्हें दोनों क्वेश्चनों में अलग अलग प्रकार से पूछा है ना। ठीक है, तो प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए कौन सी मशीन उपयुक्त होती है? तो उसके लिए हमने आपको पहले बता दिए थे अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जैसे ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, उसको कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलते हैं, अब देखते हैं दोस्तों।
ब्रिटलनेस की क्वालिटीज़ के बारे में बताना है कि ब्रिटलनेस में कौन सी क्वालिटी होती है। मैं आपके सामने क्वेश्चन बता रहा हूँ, स्क्रीन में आप देख रहे हैं। भंगुरता गुणधर्म को खालिस्तान के द्वारा जांचा जाता है, यानी हम किसी भी धातु की यदि हमको ब्रिटलनेस यानी उसकी भंगुरता को पता करना है तो किन किन किसके द्वारा जाँच करेंगे, सिंपल सी बात। तो इसके लिए आपके सामने ऑप्शन देख रहे हैं आप, अपच्छेदन भंजन, प्रभाव परीक्षण, गैर भंजक परीक्षण, अर्धभंजक परीक्षण। तो इसका सही आंसर दोस्तों प्रभाव परीक्षण, हम उस पर सीधे डायरेक्ट इफेक्टिव टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। अगले अगले में चलते हैं दोस्तों, बेल्टिंग ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। सिंपल एंड माइंडलेस क्वेश्चन दोस्तों, आपको मालूम होगा जिसने भी वेल्डर ट्रेड से पढ़ा होगा वह यह जानता है कि बेल्डिंग ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो बेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, जैसे ही आरके की लंबाई बढ़ेगी प्रचालन वोल्टेज खालिस्तान होगा। ये आपने यदि वेल्डिंग करे हैं और आपने वेल्डिंग वेल्डर ट्रेड से पढ़ाई करे हैं तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं, जैसा कि आपने इसका प्रैक्टिकल करे हो, है ना। आपके सामने फिर से मैं एक बार और क्वेश्चन बोलता हूँ, जैसे ही आरके की लंबाई बढ़ेगी, जैसे ही आरके की लंबाई बढ़ेगी तो प्रचालन वोल्टेज कम होगा, ज़्यादा होगा, एक सा रहेगा या कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे ही हम आरके की लंबाई बढ़ाएंगे दोस्तों तो उसका जो प्रचालन वोल्टेज है यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58, क्षैतिज स्थिति में किनारों के जोड़ वेल्डिंग के दौरान कार्य के सापेक्ष इलेक्ट्रोड का कोण खालिस्तान होता है, यानी क्षैतिज किनारों में किनारों का जो जोड़ होता है उसमें कितने अंश का कोण बनता है। तो वहाँ पर बनता है 60 से 80 अंश का कोण। चलिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोड की नोक एवं मूल धातु जहाँ पर आर्क प्रहार करती है उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है। इलेक्ट्रोड की नोक एवं मूल धातु जहाँ पर आर्क प्रहार करती है उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो उसे आर्क लंबाई कहते हैं। फ्रेंड्स, आप जहाँ वेल्डिंग करते हैं और जिस धातु में वेल्डिंग होने वाली है और जिस इलेक्ट्रोड से आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसके बीच की दूरी को हम आर्क की लंबाई कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की मानक लंबाई कितनी mm होती, मतलब जो इलेक्ट्रोड मतलब जिस राड के माध्यम से आप वेल्डिंग करते हैं उसकी लंबाई mm में कितनी होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि 350 से 450 mm उसकी लंबाई होनी चाहिए। यदि यही क्वेश्चन सेंटीमीटर में आ जाए तो 35 से 45 सेंटीमीटर के बीच की इलेक्ट्रोड राड होती है। चलिए अगला प्रश्न, GTAW में धातु निक्षेपण दर खालिस्तान होता है। GTAW में धातु निक्षेपण दर SMAW से कम, SMAW से कम। अगला प्रश्न, खालिस्तान में बेल्ट जोड़ कुच्छक में स्थिर किया जाता है एवं दूसरे सिरे पर भाग को लटकाकर एक विशेष गति से घुमाया जाता है। आई रिपीट अगेन, खालिस्तान में बेल्ट जोड़ को चक में स्थिर किया जाता है एवं दूसरे सिरे पर भार को लटकाकर एक विशेष गति से घुमाया जाता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, आप देख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ, श्रांति परीक्षण, जिसको कहते हैं फटिगे टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्धस्वचालित सा में कौन सा ऑपरेटर नियंत्रित किया जाता है, मतलब अर्धस्वचालित सा में कौन ऑपरेटर नियंत्रित करता है या किया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसका सही आंसर है आर्क ट्रबल स्पीड यानी आर्क संचालक गति। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन और ऑप्शन और साथ ही उत्तर भी है फ्रेंड्स। आप ITI पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे फ्रेंड्स। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। खालिस्तान में 93% से 97% धातु निक्षेपण अपेक्षित है, किसमें धातु निक्षेपण यानी मेटल डिपोजिशन अपेक्षित है यानी एक्सपेक्टेड है। तो GMAW में, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रेंड्स और ये आपके सामने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है, आप देख रहे हैं। और ये है आपका करेक्ट आंसर GMAW में 93 से 97% का धातु का यानी मेटल का डिपोजिशन अपेक्षित होता है। चलिए अगला, SMAW में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन रीड केयरफुली प्लीज़। SMAW प्रक्रिया में एक कार खालिस्तान से निम्न वोल्टेज के साथ बनाए रखी नहीं जा सकती, 14 वोल्ट, 34 वोल्ट, 64 वोल्ट, 44 वोल्ट।
तो इसका सही आंसर दोस्तों 14 वोल्ट। आप ही समझ सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अपन बिना देरी करें, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बिंदु वेल्डन पॉइंट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए खालिस्तान धातु प्रयुक्त होता है। यानी जब आप किसी पर पॉइंट वेल्डिंग का एक प्रकार है, आप यदि पॉइंट वेल्डिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रोड के लिए, के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयुक्त किया जाता है, यानी पॉइंट वेल्डिंग के लिए जिस इलेक्ट्रोड राड का आप यूज़ करते हैं वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है दोस्तों कॉपर की यानी तांबा की। अगला प्रश्न है दोस्तों, खालिस्तान परीक्षण कहलाता है, खालिस्तान ध्वनि परीक्षण कहलाता है। चलो चलते हैं, स्टेथोस्कोप परीक्षण ध्वनि परीक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, MIG वेल्डन खालिस्तान के समान है, MIG वेल्डन खालिस्तान के समान है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर तीन और ऑप्शन नंबर चार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गैस धातु आर्क वेल्डन, गैस धातु आर्क वेल्डन। यानी यहाँ पर पूछा है MIG वेल्डन खालिस्तान की जैसी होती है, तो गैस धातु आर्क वेल्डन के जैसी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, ज्वाला कटाई का शुरुआती बिंदु को खालिस्तान तक पूर्व तापित करना होता है। यानी ज्वाला कटाई के स्टार्टिंग पॉइंट को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता था। इसका सही आंसर है बिना देरी करें 900 डिग्री सेल्सियस, यानी 900 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर में दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिशियन बेल्डर और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट दैट इज़ कॉल्ड कोपर ट्रेड के मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, प्रश्न उत्तर एवं इनसे संबंधित ट्रेड ITI से किसी भी ट्रेड से संबंधित जानकारी और उनके क्वेश्चन पेपर और किसी भी टेक्निकल फील्ड के होने वाले एग्ज़ाम जैसे हाइड्रो पावर प्लांट के एग्ज़ाम, भेल के एग्ज़ाम, सेल के एग्ज़ाम और अन्य ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्ज़ाम जो कि टेक्निकल डिपेंडेंट होते हैं दोस्तों, और इलेक्ट्रिकल से संबंधित क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियोज़ डालते हैं और आपको ITI वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी सामान्य गणित के वीडियो भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, GMAW में फोर हेड वेल्डन तकनीक कहलाती है, यानी GMAW में फोर हेड वेल्डन तकनीक कहलाती है। आपके सामने ऑप्शन है, ये प्रश्न रहा आपका, ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर है दोस्तों पुशिंग वेल्डन, ठीक है। वेल्डन का मतलब होता है दोस्तों वेल्डिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वेल्डन के दौरान अपूर्ण संलग्न खालिस्तान के कारण होता है। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर चार। इसका सही आंसर है बहुत निम्न विद्युत धारा यानी टू लो करंट। आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन है और ये उत्तर है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वेल्डिंग दोष है, यानी एक ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो वेल्डिंग में होता है, डी इफेक्ट, ठीक है ना। तो है अधा कट यानी अंडर कट, यह इसका दोष है दोस्तों, डी इफेक्ट। अगला प्रश्न है, यदि GMAW में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाह एक समान नहीं हो तो यह खालिस्तान का कारण बनता है। यदि GMAW में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाह एक समान नहीं हो तो यह खालिस्तान का कारण बनता है, यह बनता है सारंध्रता यानी पोरोसिटी का कारण बनता है, सारंध्रता, ठीक है। चलते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, चुंबकीय कण परीक्षण खालिस्तान तक के परीक्षण के लिए उपयुक्त है। चुंबकीय कण परीक्षण 6 mm की गहराई तक के लिए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि आपने इस वीडियो में देखा ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का सॉल्व पेपर दोस्तों। इसके साथ ही यदि आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि हाँ हमें अगला वीडियो चाहिए, तभी मैं अगला वीडियो अपलोड कर पाऊंगा दोस्तों, नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको पसंद आते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो बहुत ही अच्छे से और बहुत अच्छा शानदार बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ दोस्तों। तो यह क्वेश्चन है हमारे सामने, AWS वर्गीकरण के अनुसार शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड के लिए रंग कोड है। बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शायद ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। ITI TU का एग्जाम 2019 मार्च में आयोजित होने वाला है व्यापम की तरफ से दोस्तों, तो आप इसके लिए तैयारी चालू कर दो। और असिस्टेंट लोको पायलट एग्जामिनेशन में तो ये 100% आना है, और बेल्डेड रेट के तो ये क्वेश्चन ही है दोस्तों, मतलब कॉमन क्वेश्चन है और आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, AWS वर्गीकरण के अनुसार शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड के लिए रंग कोड कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हरा, हरा हरा रंग इसका होता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टेक्निकल फील्ड में जो होता है 75 नंबर का टेक्निकल, यानी अपना थ्योरी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटिव आता है, लेकिन जो 25 नंबर का आता है वह हम कहाँ से पढ़ें या किस टाइप का पूछा जाता है, तो आप मुझे अपने वीडियो में कमेंट्स करके बताएं और मैं फिर आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से डिपेंडेड आते हैं, GK GS से रिलेटेड आते हैं, या मैथ साइंस के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैं जैसे आपको बताऊंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में मियाँ तानसेन की समाधि है? अब ये क्वेश्चन है दोस्तों इतिहास का, मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में जो है मियाँ तानसेन की समाधि है ना फ्रेंड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आते कौन से क्वेश्चन, इनकी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। फिर मैं अगला वीडियो इसी का बनाऊंगा दोस्तों, और आपको हमारे ट्रेड में जानते हैं हमारे भी चैनल में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे है ना फ्रेंड्स। तो आपने देखा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 9 नवंबर 2016 9 बजे जो पेपर आयोजित हुआ था उसका डिस्कशन, ट्रेड था बेल्डर और ये थे जनरल नॉलेज। यदि आप चाहते हैं कि जनरल नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका वीडियो हमें दें तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे चाहिए कमेंट्स और मुझे चाहिए सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ITI पाठशाला एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।